तो आज हम बनाने वाले हैं मकाई का पोहा। उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले मकाई ले लिया है, मतलब मकाई के जो पोहे आते हैं रेडीमेड वही ले लिए हैं। और इसे एक जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप निकाल लीजिएगा, और जितना आपको बनाना हो मतलब उतना आप ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो मकाई के पोहे में मसाला डालना है ना वो रेडी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच जितनी शुगर निकाल दी है। अब इसके अंदर हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। और फिर साथ में इसके डालेंगे हम मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा पसंद हो तो डालेगा और ना खाते हो तीखा तो मत डालेगा। और फिर इसके अंदर हम थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से क्या है, एक बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाता है और एंटीबायोटिक भी रहता है वो। और मसाले में अब डालेंगे धनिया जीरा पाउडर है, वो हम 2 चम्मच डालेंगे। अब एक छोटी कटोरी में हम नींबू के फूल जो होते हैं ना वो ले लेंगे, पिंच ऑफ लेना है, ज़्यादा नहीं लेंगे फिर। और ये फूल ना दाने के आते हैं, दाने दाने आते हैं, तो इसे हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे जिससे कि एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाए। और फिर जो हमने मसाला बनाया है उसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये देखिए, ये पाउडर हो चुका है नींबू के फूल का। अब इसको हम ऐड कर देंगे हमारे मसाले में, और ये सारा मसाला अब मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करेगा जिससे कि जो नींबू का फूल डाला है, नमक डाला है, सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक बर्तन के अंदर ना हम ये जो इकोवेक का पेपर होता है वो रख देंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो ना हमारे पोहे में वो इसके अंदर सोख हो जाए। तो आप भी रख लीजिएगा, क्योंकि फिर वो ऑयली वाले पोहे हो जाएंगे तो आपको खाने में भी मज़ा नहीं आएगा, और ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन, और उसके ऊपर एक कढ़ाई रख देंगे। और अब इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल आपके पास अगर रीयूज़ करे किया हुआ हो ना तो वही डालिएगा, क्योंकि है ना मकाई के पोहे जब हम फ्राई करेंगे तो उसके बाद ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। अब जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारी नई नई सी रेसिपीज़ जो है वो आपको मिलती रहे। और साथ में हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं मूंगफली के दाने, जो कि हम डालेंगे पोहे में। पोहे मतलब मकाई के जो पोहे हैं उसके अंदर डालेंगे। अब ये देखिए, ये मसाले में ना थोड़ा सा ये दाना दाना जैसा लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से करेंगे ना तो क्या होगा कि हम मसाले को अच्छे से मसल सकते हैं, जिसके अंदर दाना दाना ना रह जाए। तो आप लोग भी ये ज़रूर कीजिएगा। तो ये मसाला हो चुका है रेडी, और यहाँ पे हमने पोहे भी निकाल लिए हैं। तो पोहे डालने से पहले ना एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपका ऑयल गर्म हो चुका है कि नहीं। तो हम भी कर लेते हैं। तो यस, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर दूसरे पोहे ऐड कर देंगे, थोड़े थोड़े करके ऐड कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि सारे पोहे अच्छे से फ्राई हुए, वरना फिर थोड़े कच्चे रह जाएंगे और थोड़े पक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। ये बड़ी जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, तो ज़्यादा देर भी नहीं लगती इसको फ्राई होने में। तो ये हमारे पोहे जो है एक बैच तो उसका फ्राई हो चुका है। बस सेम तरह से हम सारे के सारे पोहे तल के रेडी कर देंगे, और आप एक ही बर्तन में सारे डालते जाइएगा, और फिर उसके ऊपर हम मसाले डालेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा करके मसाला इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे हमने 3 बार की बैच जो है वो फ्राई कर ली है। अब इसके साथ ही हम थोड़े गर्म है ना तभी हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे जो हमने प्रिपेयर किया हुआ है। जैसे क्या होगा, गर्म में अगर मसाला डालें ना तो वो चिपक जाता है अच्छे से, और फिर सूखा सूखा नहीं रहता है। तो और फिर इसे अच्छे से मिक्स भी कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट बैच जो है मकाई के पोहे का, वो भी फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हो एक बोल में से कितने सारे हमने मकाई के पोहे फ्राई कर लिए हैं। तो आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर में लोग जितना पसंद करते हो उतना फ्राई कर सकते हैं। अब जिस ऑयल में हमने मकाई के पोहे फ्राई किए उसी ऑयल में हम मूंगफली को भी थोड़ा सा फ्राई कर देंगे, तो क्या होगा कि थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी ना मूंगफली, तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इसको हम हमारे पोहे के अंदर ऐड करेंगे। तो
आप मूंगफली के साथ साथ चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप उसे ज़रूर डालेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब ये मूंगफलियाँ जो है वो फ्राई हो चुकी है, इसकी एक बहुत ही स्वीट सी अरोमा आती है, तो आप लोग जब फ्राई करो ना तब जब इसकी स्मेल आए तब उसको निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाती है तब तक। अब हम भी इसे निकाल देंगे, आप देख सकते हो ये थोड़ी सी टूट भी गई है, यानी अंदर से भी बहुत ही क्रिस्पी हो गई है, आप इसका आवाज़ भी सुन सकते हो। अब जो हमने लास्ट फ्राई किया था ना मकाई का पोहा, उसके अंदर भी मसाला डाल देंगे, तो ये आखिरी बैच है इसलिए आप जितना चाहे उतना मसाला ऐड कीजिएगा। अगर आपको लगे कि पहले मैंने थोड़ा कम कम डाला है तो इस बार में थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जिससे कि टेस्ट उसका बैलेंस हो जाए, ठीक है। और ये हमारा पोहे में मसाला हो गया है। अब इसके ऊपर हमने जो मूंगफली फ्राई की थी ना वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब ड्राई फ्रूट्स भी किए हो तो वो भी ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये पोहा जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मूंगफली पे भी थोड़ा सा मसाला ऐड कर देंगे, जो शक्कर वाला और वो बनाया था ना हमने वो वाला, और फिर इसको मिक्स करेंगे। तो अगर आपको ये छोटे बर्तन में ना पाए ना तो आप एक बड़े बर्तन में लेके फिर मिक्स कर सकते हैं। तो हमने इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे कि हम इसे आसानी से मिक्स कर देंगे, और जो हमने लास्ट बैच मसाले का डाला था ना वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसलिए हमने इसे बड़े बर्तन में ले रहे हैं। इसके अंदर हमने सिर्फ मूंगफली के दाने फ्राई करके डाले हैं, आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं या फिर कुछ और डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। तो हमारा एक और नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। दूसरे जो नाश्ते बनाए हैं हमने इस साल, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, और आप इसे 15-20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी बनाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।